अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तुम्हारे की दुनिया। तो यहाँ से मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई और यहाँ से मेरी रूटीन शुरू करती हूँ। यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठी मैंने जल्दी से, अपने लिए हाफ फ्राई बनाया और यहाँ मम्मा पराठा बना रही हैं अपने लिए। सर्दियों की वजह से बिल्कुल गैस नहीं आ रही, ये बड़ा इशू है। यहाँ पे मैं गरम गरम चाय पी रही हूँ और अभी मुझे जाके जल्दी से फ्रेश होना है और पूरा रेडी होना है जाने के लिए। लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे सुबह सुबह सर्दी लग रही है, मुझे कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा, पर करना तो पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना है। तैयार हो गए तो मैं जल्दी से तैयार होती हूँ, फिर मिलते हैं। सो फाइनली यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी हूँ। ठंड ही फील हो रही है क्योंकि सुबह सुबह जब आप नहा कर बाहर निकलते हो ना तो बहुत ठंड लगती है। और उसके बाद मुझे मोबाइल के लिए बैलेंस डलवाना था तो मैंने अपना कार्ड लिया पैकेज के लिए। और जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो फ्री पीरियड था और यहाँ पे मेरा क्लास फेलो अली सिंगिंग कर रहा है, ये बहुत अच्छी करता है, दिखाती हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बाहर बिरयानी की शॉप थी तो वहाँ से बिरयानी मंगवा ली थी, फुल गरम एंड स्पाइसी, तो वो खाई। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक छोटी सी कैंटीन अलग से बनी हुई है तो यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे चिप्स खाए, बहुत दिनों से ये वाले चिप्स खाए नहीं थे। वो खाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ लाइब्रेरी। मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, पढ़ाई करने जाते तो पढ़ना तो बनता है। और यहाँ आई गेस यूनिवर्सिटी में कोई 3 लाइब्रेरी है, लेकिन मैं जब भी आती हूँ इधर आती हूँ, ये देखें ये बिल्कुल डेड है, बिल्कुल ये वॉल के साथ चिपकी हुई, मतलब बिल्कुल नहीं हट रही। उसके बाद यूनिवर्सिटी से मैं घर चली गई थी और जैसे ही घर गई सिस्टर ने कहा मुझे बाहर जाना है कुछ खाना है, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो उसको ही खाना था, मैंने बस थोड़ा उसका साथ दे दिया। यहाँ पर रिजवान पकवान का पुलाव अच्छा लगता है तो मैंने वो खाया, उसने बिरयानी खाई। तो ये अंकल लेकर आए रिजवान पकवान में, ये नई चीज़ें भी आ गई हैं। अगर कोई कैंट का व्यूवर्स देख रहे हैं तो ये देख लीजिए, काफ़ी आइटम नया आया है। माश की दाल के दही बड़े जी, माश की दाल के दही बड़े, माश की दाल के दही बड़े, दाल के दही बड़े, फ्रूट चाट है, फ्रूट चाट है। ओके अंकल, ये जो देख लेंगे ना तब ज़रूर मंगवाएंगे लोग, और हमने तो अभी खा लिया लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। होटल लगाकर जिंदगी से तरक्कियां खुशियां दी, आमीन। उसके बाद मैं रॉयल मार्ट आ गई थी, मुझे वहाँ से ये चाहिए थी और ये मुझे मिल गई क्योंकि मुझे उल्टी फील हो रही थी। जब मैं घर आई तो मुझे पता चला है कि मेरे फ्रेंड ने तुर्की से मेरे लिए सामान भेजा, तो मैं आप लोगों को जल्दी से शो करवाती हूँ, आ जाए। तो बेस्ट फ्रेंड ने ये सारा सामान भेजा था, ये सारा सामान, और स्पेशली उसने मुझे कहा था कि मैं क्या भेजूं, तो मैंने कहा मुझे कैंडल्स भेज दो, मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है। तो ये उसने वहाँ की कैंडल्स भेजी और ये बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, तो थैंक यू सो मच। और ये मैं आप लोगों को बताऊँगी मुझे कैंडल्स का क्यों शौक है। अभी मैंने आप लोगों को अपना रूम टूर दिखाना है ना, पर वहाँ पर इसका सीन बताऊँगी कि मेरे पास ना हर किस्म की कैंडल्स है, तो मैंने बोला एक वहाँ से भी मंगवाती हूँ ताकि हर किस्म की कलेक्शन मेरे पास हो। और ये सारा सामान उसने मेरे लिए भेजा है और साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थोड़े से हैं, तो अगर देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। यूनी से आकर मैं सो गई थी और फिर जब मैं उठी तो मुझे कैन बाज़ार जाना था किसी काम से, तो वापसी मुझे चिप्स नज़र आए, वो भी ट्यूज मुझे खाने थे, वो मुझे यहाँ मिल गए। और मज़े की बात, कैन बाज़ार की जो शॉप है उसके लास्ट वाली शॉप में न्यू ड्राई फ्रूट्स की शॉप खुल गई है, तो मैंने सोचा अगर कैंट का कोई भी देख रहा है तो उनको बता दूँ कि कैन बाज़ार में एक अच्छी सी ड्राई फ्रूट की सारा आइटम है और ये शॉप मिल गई है, खुल गई है। और यहाँ से मैंने ये लिया था। और उसके बाद घर पे खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था तो बस बाहर से कुछ ट्राई कर लिया, तो यहाँ से मैंने फ्राइज लिए थे और बन कबाब यहाँ का खाया था। बहुत दिन हो गए थे मैंने बन कबाब नहीं खाया था, तो मैंने कहा खाती हूँ फ्राइज, तो सर्दियों में इसी चीज़ का मज़ा होता है, तो बस कड़क कड़क चाय पी और इस चीज़ को इंजॉय किया। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है आज। नेक्स्ट डे मैंने यूनिवर्सिटी की छुट्टी की थी तो बस मैंने सुबह सुबह कुकिंग की अपनी सिस्टर के लिए और उसको स्पेशल फील करवाया, उसके लिए स्पेशल पास्ता बनाया। और असल बात ये थी कि मुझे खाना था, ये चीज़ टाइप की डिश बनाई है चीज़ बॉल स्टाइल में, जी माला टेस्ट करूँ। ये देखिए जी, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर भी शामिल है, तो ट्राई करके बताओ कैसी है। मज़ेदार, थैंक यू। कसम मैम, अभी ये हम लोग खाएंगे
यूनि की छुट्टी होती है तो मैं सोचती हूँ कि कुकिंग मैं ही करूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगता है। तो शाम के टाइम मैंने आलू बनाए, अभी मैंने सालन रेडी कर लिया है आलू वाला। तो अब मैं रोटी लेने जा रही हूँ भाई, क्योंकि आज हमारे घर पे कुक भी नहीं है। और तो मामा सो रही थी तो मैंने सोचा मैं जल्दी से आलू वाला सालन बना लेती हूँ, और रोटियाँ बनाने की हिम्मत नहीं है तो बाहर से लेने जा रही हूँ। तो फिर मिलते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ स्पाइस एंड नान। यहाँ से मैं नान लूँगी। कितनी नान चाहिए? 7 नान लूँगी। हाँ तो वो आ रहे हैं, मैं उनको ऑर्डर देती हूँ जल्दी से। यहाँ पे हमारी नान भी आ चुकी हैं और साथ ही साथ चपातियाँ भी आ चुकी हैं, लेकिन मैंने अपने लिए पराठा ऑर्डर किया तो उसका वेट कर रही हूँ, वो आता है तो फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या चाहिए वो लेते हैं। तो आगे मेरा, और अब मैं आ चुकी हूँ मार्ट। मार्ट से थोड़ा सा सामान चाहिए वो लेती हूँ, फिर घर चलते हैं और फिर मज़े से आलू वाला सालन और पराठा खाऊंगी। मार्ट में से जो जो सामान चाहिए वो लेंगे अभी। सोचने दो क्या मंगवाया था हमने भाई। ये दो इधर से निकाल रहे हैं ऊपर से, ये वाले छोटे वाले रेड वाले, रेड वाले ये दो दे दीजिए। नेस्ले के नहीं रखे हुए? सही है, ये दो दे लेते हैं। घर पे मिल्क तो रखा हुआ है, लेकिन ये मैं किसी स्पेशल बंदे के लिए लेके जा रही हूँ तो उसे देना है मुझे। मैं तो शीर से जो ब्रेड चाहिए थी वो ले ली है, वहाँ से जो सामान चाहिए तो वो ले लिया। सर्दियाँ चल रही हैं लेकिन सुबह के टाइम यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है और एसी के बिना बाहर नहीं निकल सकते। आप धूप की शिद्दत चेक कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा धूप। अस्करी में गाला लगा था इस तरह से, यहाँ राइड्स वगैरह थी तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। आ जाए खाया नहीं था, बस देखकर आ गई थी जल्दी से मैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे बिरयानी ट्राई करने, तो इन्होंने हमें पहले ट्राई करवाई तो हमें अच्छी लगी, उसके बाद हमने फिर यहाँ पर खाई। और ये खाने के बाद मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चाहते हैं मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं ज़रूर करूंगी। भाई रूटीन व्लॉग्स बहुत कम बनाती हूं, लेकिन अगर आप लोग को मेरे अगर रूटीन व्लॉग्स अच्छे लगेंगे तो मैं ज़रूर डालूंगी। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते हमेशा की तरह खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Everybody's high.